हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो रिकॉल करते हैं, व्हाट इज परमुटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन। इट रेफर्स टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। हेयर ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। सपोज ए बी इज डिफरेंट अरेंजमेंट, बी ए इज डिफरेंट। Now today we will discuss this case where all objects should be distinct. Number of permutation means number of arrangements of n distinct objects. Objects कैसे होने चाहिए? Distinct. कितने objects हम arrange कर रहे हैं? We have n object, लेकिन n में से हम arrange कर रहे हैं r object को। So, ये जो अरेंजमेंट है, ये R जो है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू N। सपोज वी हैव 10 ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ 10 वी आर अरेंजिंग 3। सो जो ये अरेंजमेंट है, जितने हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, ये 10 या 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 10। 10 ऑब्जेक्ट्स है और हम सभी को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन 10 में से हम 11 ऑब्जेक्ट्स को तो अरेंज नहीं कर सकते। सो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू एन। विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला, हाउ टू राइट एन पी आर? इट मींस वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, पी मींस अरेंजमेंट, कितने ऑब्जेक्ट्स की? आर ऑब्जेक्ट्स की। This we can also write as NPR or we can write P in bracket NR. Now the formula is N factorial upon N minus R factorial. Okay, here R should be less than equal to N. But if we want to arrange all the objects, जितने भी हमारे पास है, हम सभी को arrange करना चाहते हैं, मतलब R equals to एन, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? एन पी एन, दैट इज क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन फैक्टोरियल। सपोज 10 स्टूडेंट्स है और हमें 10 के 10 स्टूडेंट्स को एक रो में अरेंज करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? 10 फैक्टोरियल। पहले वाले स्टूडेंट को 10 वेज में, 10 प्लेसेस है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So, पहले स्टूडेंट को 10 में से कहीं पर भी हम 10 ऑप्शन से अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड के लिए 9, थर्ड के लिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दैट इज 10 फैक्टोरियल। तो अगर n में से हमें सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल। और अगर n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बट ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट एंड विदाउट रिपीटिशन। अब हम लेते हैं विद रिपीटिशन। अगर हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट को हमें अरेंज करना है, बट रिपीटिशन इज अलाउड। So, पहले वाला ऑब्जेक्ट n वेज में, दूसरे वाला वापिस n वेज में, तीसरे वाला n वेज में, ऐसा कितना? r टाइम्स, क्योंकि हमें कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है? r ऑब्जेक्ट्स को। टोटल n है, लेकिन उसमें से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा n रेस टू द पावर r। ये कब होगा? विद रिपीटिशन। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, एंड इट इज गिवन दैट एन पी सिक्स अपॉन एन पी थ्री इज 120/1। नाउ द बेसिक फॉर्मूला एन पी आर का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। So, how to write this? कैसे लिखेंगे? n factorial n minus 6 factorial whole divided by n factorial n minus 3 factorial।
इक्वल्स टू 120 अपॉन 1 मीन्स 120. नाउ एक्सट्रीम टर्म्स मिडिल टर्म. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल 120. n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल. अब इन दोनों में से ग्रेटर नंबर, बड़े वाला नंबर कौन सा है, n माइनस 3. सो हम क्या लिखेंगे यहां पर, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6 फैक्टोरियल. एक एक कम करते जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120. सो स्टूडेंट्स ये कितने नंबर्स हो गए, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5. ये कॉन्जिक्यूटिव तीन नंबर है ना. और यहां पर n की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, ये नेचुरल नंबर होगी. तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या शॉर्टकट बताया था, 120 को भी ऐसे तीन नंबर्स के प्रोडक्ट में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखो तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 जार 30, 30 4 जार 120. नाउ कंपेयरिंग ये सबसे बड़ा, यहां पर ये सबसे बड़ा. सो n माइनस 3 इक्वल्स टू 6, देयरफॉर n कितना 9. n माइनस 4 को कंपेयर करेंगे तो भी 9 आएगा, n माइनस 5 को 4 रखेंगे देन ऑल्सो n इज 9. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन, इन विच नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 m एंड n बोथ. सो वी शुड हैव टू इक्वेशंस. सो ये दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे ये गिवन से. सो फर्स्ट वन m प्लस n p2. सो क्या होता है n p r, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो क्या लिखना चाहिए, m प्लस n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल. कितना हो गया ये 56. इसे सॉल्व करते हैं. सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, m प्लस n ये बड़ा नंबर है ना, इसे आगे लेकर जाएंगे, माइनस 1 m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 56. ये कैंसिल. अब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 56 को भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे. सो वो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7. सो कंपेयर करते हैं ग्रेटर नंबर को ग्रेटर के साथ. सो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1. अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे. तो ये फॉर्मूला यूज करके, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, m माइनस n फैक्टोरियल m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12. सेम वे, सिर्फ m प्लस n की प्लेस पर क्या आ जाएगा, m माइनस n, m माइनस n माइनस 1, m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12. कैंसिल. अब इसको भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 3. सो m माइनस n कितना 4. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n. नाउ सी हाउ टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. सो m प्लस n इक्वल्स टू 8, m माइनस n इक्वल्स टू 4. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, एडिंग दीज टू, 2m कितना 12, m कितना 6, m की वैल्यू आ गई 6. नाउ पुट दिस वैल्यू, पुट m इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1. तो 6 प्लस n 8, n कितना 8 माइनस 6 दैट इज 2. सो देयरफॉर फाइनली m इक्वल्स टू 6,
n equals to 2. Third question, students, in which we have to find out the value of r. So how to start? Again the same formula, n factorial, n minus r factorial. So how to write this? Kya likhenge? 12 p r minus 2, 11 p r minus 1, it is given 3/14. Now use numerator, denominator, दोनों में ये formula use करेंगे. So 12 factorial, 12 minus जब करेंगे तो sign change हो जाएगा. ओके, 12 माइनस आर प्लस 2. डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 3/14. नाउ एक्सट्रीम टर्म्स, मिडिल टर्म. सो कैसा लिखेंगे इसको? 12 फैक्टोरियल, 11 प्लस 1, 12 माइनस आर फैक्टोरियल. 11 factorial, 12 plus 2, 14. So 14 minus r factorial equals to 3/14. अब simplify करेंगे. इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? 12. So 12 into 11 factorial. Okay? और इन दोनों में से कौन सा greater है? 14 minus r. So 12 minus r को तो as it is रखेंगे. 14 माइनस आर, 13 माइनस आर एंड 12 माइनस आर इक्वल्स टू 3/14. कैंसिल, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल. सो ये हो गया 12, 14 माइनस आर, 13 माइनस आर, 3/14. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो 14 माइनस आर, 13 माइनस आर, 12 इंटू 14/3. सो ये हो जाएगा 14 माइनस आर, 13 माइनस आर इक्वल्स टू 56. 56 को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. सो 14 माइनस आर, 13 माइनस आर, 8 इंटू 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 7. सो कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट, 14 माइनस आर इक्वल्स टू 8 एंड देयरफॉर आर कितना? 6. द वैल्यू ऑफ आर, आर को शिफ्ट करेंगे 14 माइनस 8, दैट इज आर इक्वल्स टू 6. आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर. इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट LHS इक्वल्स टू RHS. तो स्टार्ट करते हैं LHS n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय NPR. n प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, बट NPR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. Now n plus 1 into n factorial, this means n plus 1 factorial. Like 5 into 4 factorial, we can also write 5 factorial. So n plus 1 into n factorial, ये हो जाएगा n plus 1 factorial और ये आ जाएगा n minus r factorial. ये हो गई LHS. अब आते हैं हम RHS. RHS कितना है? n माइनस आर प्लस 1, एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हमें n प्लस 1 फैक्टोरियल तो चाहिए, इसे एज इट इज रहने दो. ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? n माइनस आर प्लस 1, एन प्लस 1 फैक्टोरियल, इसे क्या लिखेंगे? n प्लस 1 माइनस आर इंटू एन प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल. क्या करते हैं? एक एक डिक्रीज करते जाते हैं. 5 फैक्टोरियल तो हम क्या लिखते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो यहां पर है n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसे क्या लिखेंगे? n प्लस 1 माइनस आर. अब इसमें से एक कम कर दो, कम कर दो मतलब ये कैंसिल है ना, और इससे ये टोटल कंप्लीट कैंसिल. तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल
और यहाँ पर क्या रह जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, देयर फोर एन प्लस वन एन पी आर इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन एन प्लस वन पी आर. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर इन वर्ड माधुरी. टू केसेस आर देयर, लेटर्स कैन बी रिपीटेड, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड. नाउ फर्स्ट केस लेते हैं पार्ट वन, लेटर्स कैन बी रिपीटेड. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन माधुरी. सो माधुरी इन ऑल हैज सेवन लेटर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. नाउ वी हैव टू फॉर्म फोर लेटर वर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट प्लेस फोर लेटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. सो फर्स्ट place can be filled in how many ways? Any letter of the word Madhuri, so seven. Now since it can be repeated, second also seven, third also seven, fourth also seven. So first place can be filled in seven ways, seven, seven, seven. So by multiplication प्रिंसिपल, सो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फोर लेटर्स वर्ड कितना हो जाएगा, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन इंटू सेवन थ्री फोर्टी थ्री, एंड थ्री फोर्टी थ्री इंटू सेवन दैट इज 2401 words we can form when repetition is allowed. Now students, अभी मैंने discuss किया था when repetition is there. Total कितने हैं, seven letters. कितनी repeat करना है यहाँ पर, कितने places पर fill करना है, four places पर. So n में से अगर हमें r object को arrange करना है और रिपीटिशन अलाउड है तो n टू दी पावर r, सो 7 टू दी पावर 4, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. तो ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया. अब इसी में हम लेते हैं नो रिपीटिशन. इन केस ऑफ नो रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं होगा. सो ऑब्जेक्ट अगर n है और उसमें से अरेंज करना है r को, तो कैसे लिखते हैं, n p r. सो समझते हैं पहले यहां पर सेकेंड केस, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड. ओके, वेल लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड. सो माधुरी इन ऑल हाउ मेनी लेटर्स, सेवन लेटर्स. वी हैव टू फॉर्म फोर लेटर्स. So first place in seven ways. Now it cannot be repeated. So second place ke liye we have six options, five and four. So how can we write this? Seven into six into five into four. Four fives are 20, 26 are 120 and 127s are, that is 840. Ab isko samajhte hain direct formula se. Okay. So total letters seven. So we have to arrange four letters. So without repetition, क्योंकि ये formula तभी applicable है जब repetition is not allowed. So टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट 7p4. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, अभी मेन है देखना यहां पर, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल,
सेवन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो भी आंसर कितना 840। बट स्टूडेंट्स अभी मैं बताने वाली हूं यहां पर शॉर्टकट, ओके, सेवन पी फोर, सेवन पी फोर लिखा है, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में हम चार नंबर लिखेंगे, सेवन सिक्स फाइव फोर, दैट्स ऑल। इफ इट इज फाइव पी टू, सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, फाइव इंटू फोर, इतना ही। सो ये शॉर्टकट मेथड है, सेवन पी फोर एंड वी कैन राइट सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर एंड वी विल गेट आंसर 840। स्टूडेंट्स आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, इन विच वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम इफ पार्ट वन वोवल्स आर ऑलवेज टूगेदर। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है, इसमें टोटल चार पार्ट है और ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के सभी टाइप के क्वेश्चन कवर अप होते हैं। सो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन जब हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है, तो ऐसे केस में यहां पर हमें वोवल्स को एक साथ रखना है, तो ऐसे केस में इसे हम एक मान लेंगे, सपोज इसे हमने रस्सी से बांध दिया, इसे हम वन सेट ट्रीट करेंगे, मतलब एक ही ट्रीट करेंगे, तीन अलग अलग है लेकिन इन तीन जहां पर भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो ये तीन तीन नहीं है, ये एक है, ठीक है, ये एक हो गया और ये सिक्स हो गया, सो सिक्स कॉन्सोनेंट प्लस वन सेट ऑफ वोवल्स, टोटल सेवन, अभी हम सेवन लेटर्स ट्रीट करेंगे नाइन की जगह, सो दिस सेवन, दीज सेवन लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, सेवन फैक्टोरियल। How you have to start? Let us consider A O A right here. How to write? Let solution. Let A O I all three vowels as one set. Let us consider. Okay. Let us consider A O I all three vowels as one set. So now total number of letters, how much, how many letters, 1 plus 6, that is 7, so they can be arranged in how many ways, 7 hai, 7p7, to kitna, 7 factorial ways, jab n letters hai ya n object hai aur sabhi ko hume arrange karna hai, तो मैंने बताया था एन पी एन, इट इज एन फैक्टोरियल, तो सात है और सातों को अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल वेज। बट ए ओ आई जिन्हें हमें एक लेटर माना है, ठीक है, इनका आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, आपस में कैसे हो सकता है, ए ओ आई ए आई ओ आई ए ओ ए आई, ओके, I A O I O A, ऐसे टोटल आपस में देखे ना रेंज, एक साथ रहेंगे लेकिन आपस में तो आगे पीछे हो सकते हैं। Now A O I can be arranged among themselves, three factorial ways, तीन है, तीनों को आपस में अरेंजमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज, सो देयरफॉर बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 7, सो ये हो जाएगा 5040, ओके, कैलकुलेट करके देख लेना, एंड थ्री फैक्टोरियल कितना होता है 6, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5, 4, 3, 2, 1, ये आ जाएगा 5040 मल्टीप्लाई बाय 6, सो
30,240. This is the answer when two vowels are always, when three vowels are always together. So, इतने words हम form कर सकते हैं अगर तीनों vowels एक साथ रहते हैं. अब second पर आते हैं, no two vowels are together. यहां पर एक भी vowel एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे अब हम? So, second part देखते हैं अब हम students. सेकेंड पार्ट में तीन वॉवल्स हैं और उनमें से कोई दो वॉवल्स भी एक साथ नहीं आने चाहिए. तो लेटर्स में दो ही टाइप के हैं, एक तो वॉवल है, एक कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट पर तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, तो सिक्स कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन सिक्स फैक्टोरियल वेज. इतना तो समझ में आया. सिक्स L, G, R, T, H, M. ये सिक्स कॉन्सोनेंट्स हैं. सो आपस में इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? सिक्स फैक्टोरियल वेज. अब इनके बीच में स्पेसेस है. दो वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए. अब दो वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए मतलब उनको इनके बीच में आना चाहिए. किनके बीच में? उनके बीच में वॉवल नहीं आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आएगा. ठीक है, तो उनकी पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो उनकी पोजीशन ये 7 में से ही कोई एक रहनी चाहिए. सो थ्री वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 7P3. प्लेसेस 7 है बट वी हैव टू अरेंज ओनली 3 ऑब्जेक्ट. तो 7P3. देयरफोर बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल 7P3. सो स्टूडेंट, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 726 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और अभी मैंने शॉर्टकट बताया था 7P3. तो क्या लिखेंगे? 7, 6, 5. नाउ सॉल्व दिस. 5, 6 are 30, 30 into 7 दैट इज 210. नाउ मल्टीप्लाई. So, कितना हो गया? 151,200 ways in which no two vowels are together. This much number of words we can form. Now, come to third part. Consonants are at even position. So, अब कॉन्सोनेंट्स के बारे में देखते हैं. टोटल लेटर्स कितने हैं? 9. ओके, 9 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इवन पोजीशंस कितनी है? 4. टोटल 9 पोजीशंस रहेंगी क्योंकि 9 लेटर्स हैं. बट किसी भी इवन पोजीशन पर 2, 4, 6, 8 पर वॉवल्स नहीं आने चाहिए. कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजिशन. सो इट मीन्स ये 4 है यहाँ पर. ओके, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 6. सो ये क्या हो जाएगा 4 प्लेसेस पर? सो कॉन्सोनेंट्स ये 4 प्लेसेस पर कितने कॉन्सोनेंट्स आ पाएंगे? 4 है ना. कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज एट इवन पोजिशन इन हाउ मेनी वेज? 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें से 4 को यहां पर रखना है ना. तो पहले वाली इधर, आउट ऑफ 6 एनी वन, देन तो ये क्या हो जाएगा? 6P4. कॉन्सोनेंट्स टोटल 6 है बट यहां पर हमें कितने अरेंज करने हैं? ओनली 4. तो 6P4.
नाउ रिमेनिंग कितने प्लेसेस है, 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 प्लेसेस पर अब हम क्या करेंगे, बचे हुए जो भी लेटर है, 3 तो वॉवल्स हैं, 2 कॉन्सोनेंट है, तो वो कैसे भी. सो नाउ रिमेनिंग लेटर्स, कौन कौन से लेटर्स है, 3 वॉवल्स प्लस 2 कॉन्सोनेंट्स, ओके, कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 5p5, 5 ही places हैं, 5 ही letters हैं, 5 factorial, so therefore by multiplication principle क्या हो जाएगा, 6p4 multiply by 5 factorial, 6, 4 है ना, कितने numbers आएंगे, 4, तो 6 × 5 × 4 × 3 और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120, 120 × 3 = 360, सो 360 मल्टीप्लाई बाय 120, सो ये हो जाएगा 43,200. This much words can be formed keeping consonants at even position. Now the last one where O is the first and T is the last letter. Now see, total number of places kitne hai, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. टोटल 9 प्लेसेस है जिसमें से ओ की पोजीशन फिक्स है, फर्स्ट प्लेस पर ओ ही आ सकता है, मतलब इट कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे. 9th लास्ट लेटर टी होना चाहिए, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन. सो बाकी रह जाते हैं 7 प्लेसेस और 7 प्लेसेस पर बचे हुए 7 लेटर्स को फिल करना है, ओके. सो नंबर of words that can be formed keeping O at first and T at last position, okay. So ये कितना हो जाएगा यहां पर, फर्स्ट प्लेस के लिए 1, लास्ट प्लेस के लिए 1, सो 7 कितना हो जाएगा, दिस कैन बी डन इन 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल वेज. यू कैन राइट 1 × 7 × 1, दैट इज 5040. फर्स्ट लेटर यू कैन डिस्क्राइब हियर, दैट फर्स्ट लेटर कैन बी filled in one way, last letter can be filled in one way, and the middle 7 letters they can be filled in 7p7, that is 7 factorial ways, therefore total number of letters 5040. So that's all for today's lecture, students. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.